क्या गिवन है, ये हमने क्वेश्चन किया हुआ है, ये बिल्कुल भी याद नहीं करना जो यहाँ लिखा हुआ है, ये इक्वेशन बिल्कुल याद नहीं करनी, इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया और मैंने वेलोसिटी कितनी दी बॉडी को, ग्रेटर देन एस्केप, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा बड़ी वेलोसिटी, तो अब ये वापस नहीं आने वाली। अब बॉडी कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चली जाएगी, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाके जब वो ग्रेविटेशनल पुल को क्रॉस करेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, हमने किया था ये क्वेश्चन, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैंने ये शॉर्टकट बुक्स का लिखा हुआ है पर आपने नहीं करना, आपने क्या करना है, सरफेस के ऊपर आपने पहले क्या लेनी है, पोटेंशियल, और साथ में क्या लेनी है, काइनेटिक, ऐसे काइनेटिक, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके पोटेंशियल जीरो है और काइनेटिक क्या लेनी है, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, इसे इसके इक्वल इक्वेट कर देना है, अपने आप वो इक्वेशन बन जाएगी। याद बिल्कुल भी नहीं करना, बुक में शॉर्टकट लगाए, देखना भी नहीं। क्लियर है यहां तक, वेलोसिटी कैसे निकलेगी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बाय एनर्जी कंजर्वेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, अ गिवन प्लैनेट विल हैव एटमॉस्फेयर। देखो इसके अंदर ही कुछ ऐसे बताया हुआ है, हम एक चैप्टर करने वाले हैं अभी नेक्स्ट से नेक्स्ट मंथ में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बिल्कुल केमिस्ट्री ओवरलैपिंग है, थर्मोडायनेमिक्स भी आएगा और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आएंगी, हो सकता है हमारे केमिस्ट्री वाले भी तुम्हें बताएं। जब एक गैस को कंसिडर किया जाता है, गैस में लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी जो वेलोसिटी है जिससे वो मूव करते हैं वो मालूम है क्या है, वो नहीं मालूम क्या है, वो डिपेंड करती है किस पे करती है, टेम्परेचर पे, ये बात पक्की है, टेम्परेचर ज़्यादा है वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल है। अब लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, डायरेक्शन भी डिफरेंट है, वैल्यू भी डिफरेंट है। अब मैं लाख वेलोसिटी को तो सॉल्व नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या लेनी पड़ती है, एवरेज वेलोसिटी। तो आपको ये सिखाया जाएगा, अभी कुछ केमिस्ट्री के अंदर भी आने वाला है, बिल्कुल वैसी जैसे अगर मैं ये बोलूं कि सपोज करो एक सड़क पे गाड़ियां चल रही हैं, चलो पूरे शहर में गाड़ियां चल रही हैं, बोलो गाड़ियों की स्पीड कितनी है, अब ठीक है लाखों करोड़ों गाड़ियां हैं, मैं क्या स्पीड निकाल, तो अपनी अपनी स्पीड है। अच्छा चलो मैंने क्वेश्चन चेंज किया, उन लाखों करोड़ों गाड़ियों में से जब शहर के अंदर चलती हैं, इनसाइड बाहर हाईवे पे नहीं, चलो चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ के अंदर जो कार चलेगी उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादातर गाड़ियाँ किस स्पीड पे चलती हैं, ज़्यादातर गाड़ियाँ किस स्पीड पे चलती हैं। अब एक साइकिल वाला चल रहा है 10 की स्पीड के साथ, और कोई बाइक वाला जिसको बहुत जल्दी है वो हो सकता है 100 120 पे चला दे, बहुत रेयर रेयर, 10 वाला भी रेयर है और 120 भी रेयर है। ज़्यादातर गाड़ी की स्पीड जो है वो, या अगर चलो गाड़ी चल भी रही है तो 10-15 की स्पीड से स्टार्ट हो जाएगी और 120 तक जा सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग 40 और 60 के बीच में ट्रैवल करते हैं। इस वेलोसिटी को मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। तो वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास ज़्यादातर एक जैसी वेलोसिटीज होती हैं, एक रेंज में लाई करती हैं, उसको मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं एटम। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी अगर मान लो 40 से 60 के बीच में है, और मैं लोगों को कहना शुरू कर दूँ कि सारी गाड़ियों की स्पीड 40 है, तो वो 10 वाला कहेगा यार मेरे को तो कंसिडर ही नहीं किया आपने, वो सेट एक गिवन सेट ले लिया, वहीं से आंसर निकाल दिया। तो फिर क्या रूल बनाया, सभी गाड़ियों की एवरेज लो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, एवरेज लेके आंसर दो तो सभी गाड़ियों की एवरेज आएगी। मॉलिक्यूल्स के अंदर भी ये डिज़ाइन किया गया, सभी मॉलिक्यूल्स को लो, सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज लो, और जब हम सभी मॉलिक्यूल चाहे छोटी वेलोसिटी चाहे बड़ी वेलोसिटी का एवरेज लेते हैं, उस एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं आरएमएस वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसकी डेरिवेशन हम क्लास में करेंगे जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा। आप ये सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है यार, ग्रेविटेशन, अर्थ की बातें हो रही हैं, मतलब कहाँ तो अर्थ का मास, कहाँ मॉलिक्यूल का मास, ये बात हो क्यों रही है। मून के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत प्लैनेट्स के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, गैस टिक ही नहीं पाती, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है। क्यों, क्योंकि जो गैसेज हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर एवरेज वेलोसिटी आरएमएस वेलोसिटी है। अब होता क्या है कि मून के ऊपर जो मॉलिक्यूल्स की आरएमएस वेलोसिटी अगर हम लें वहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स, उसकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ही ज़्यादा है। मून की एस्केप वेलोसिटी अगर वी है तो मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वेलोसिटी एस्केप से ज़्यादा है। अब रुकेगा कौन, प्लैनेट रोक ही नहीं पा रहा, मून रोक ही नहीं पा रहा, तो फिर ये मॉलिक्यूल्स भाग जाएंगे। अर्थ में उल्टा है, अर्थ के अंदर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी बहुत बड़ी है, तो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से छोटी है, तो अर्थ एस्केप करने नहीं देगी। तो यहां एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगर मान लो
किसी प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी सी है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸, अगर हो तो तुम क्या वहां से बाहर आ सकते हो? कभी नहीं। स्पीड ऑफ लाइट जितना स्पीड से तो तुम भाग ही नहीं पाओगे, ऑब्जेक्ट भी नहीं भाग पाएगा, तो तुम कभी नहीं बाहर आ पाओगे। और इसी को तो ब्लैक होल बोलते हैं। जो ब्लैक होल्स हैं इसकी जो वेलोसिटी होती है बाहर निकलने की, एस्केप की, वो सी होती है। अब सी होती है तो इस टाइप की बॉडी में हम क्या कर सकते हैं? सच अ बॉडी कैन नॉट, मतलब कोई बॉडी यहाँ से एस्केप कर नहीं पाएगी, तो उस बॉडी को क्या बोलेंगे? ब्लैक होल्स हैं। ब्लैक होल के लिए एस्केप वेलोसिटी जो है वो सी है। और जब मैं इस ब्लैक होल का ये फॉर्मूला लगाऊंगा सी का और स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास आर की वैल्यू भी आ सकती है। अब देखो ना, ब्लैक होल में वापस क्यों नहीं आ पा रहे? अब एक और प्रॉब्लम, उसका मास बढ़ता जा रहा है, उसका साइज बढ़ता जा रहा है, उसकी एस्केप वेलोसिटी और बढ़ती जा रही है। तो ये देखो, एक आइडिया लगाया गया है कि एस्केप वेलोसिटी सी होती होगी, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बाहर आ ही सकता था यार, जो उसके अंदर जाए वो बाहर कभी नहीं आया। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। और इसके अंदर जो अगला कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। ये तो ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत यूज होता है, और अगर ना सुन रखा हो तो ऑब्जेक्टिव में अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है। देखो मैं करके दिखाता हूं इस पॉइंट को जो इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को, ये लो ये अर्थ है, अर्थ है, लिखना लिख लेना कोई बात नहीं, ये कैपिटल आर है, मैंने एस्केप वेलोसिटी दे दी कितनी, 2g M/r, मैंने एस्केप वेलोसिटी दे दी। अब ये बताओ कि सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस मास की, -g m/r। और सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मैंने एस्केप दी तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट कितनी है, ऑब्जेक्ट का मास इनटू एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहां पे ½ m एस्केप का मतलब क्या है, 2g M/r का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करो, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो आपके पास ये आंसर आएगा। ये देखो, चेक कर रहे हो, काइनेटिक थ्योरी, पोटेंशियल थ्योरी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, माइनस का फर्क है, टोटल एनर्जी क्या हो गई, 0, क्योंकि टोटल एनर्जी की वैल्यू इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, तो टोटल हो गई 0। तो ये बहुत शॉर्टकट याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर यूज भी करके दिखाऊंगा मैं, कि जब आप एस्केप वेलोसिटी देते हो सरफेस ऑफ अर्थ पे तो उसकी टोटल एनर्जी ऐड करने पे क्या जाती है, 0। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? बेसिकली उसको पोटेंशियल को ओवरकम करना होता है इन दी फॉर्म ऑफ काइनेटिक, इसका मतलब ये है। तो ये पॉइंट याद रखना, आज मैं ऑब्जेक्टिव के अंदर इसको यूज भी करूंगा।